हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका यूपी में और स्वागत है आपका इंडिया के दो सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पे। जी हाँ, ये जो आप एक्सप्रेसवे देख रहे हैं ये है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, जो कि इंडिया का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। नंबर वन पे उत्तर प्रदेश में ही बनाया गया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आता है और लखनऊ एक्सप्रेसवे आता है नंबर दो पे। और आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये इस देश का तीसरा सबसे लंबा बनाया गया एक्सप्रेसवे है, जिसे कि कहते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। और आज इसी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करेंगे हम और आप, और आज इसी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे हम और आप ड्राइव करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस देश का तीसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाया है। ये एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर लंबा है और इसे 6 पैकेज में डिवाइड किया गया है। और मैं आपको जिस पैकेज का काम दिखा रहा हूं, यानी कि जहां से हम और आप शुभारंभ कर रहे हैं, ये है पैकेज 6 का काम। तो हमने जो वीडियो स्टार्ट किया है ये है इटावा डिस्ट्रिक्ट। इस तरफ हम और आप चलेंगे चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट तक। वो एक्सप्रेसवे बनकर पूरी तरीके से तैयार है। स्पीड लिमिट इस पे होने वाला है 100 किलोमीटर प्रति घंटे का। ये 4 लेन का एक्सप्रेसवे है। 2 लेन ईस्ट साइड आपको मिलेगा ड्राइव करने के लिए और इसे 6 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है, यानी कि 3 लेन ईस्ट साइड आपको ड्राइव करने के लिए मिलेगा। सर्विस रोड भी इस एक्सप्रेसवे के पैरेलल में बनाया गया है ताकि इसके आसपास रह रहे लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो ये पूरी तरीके से ब्रांड न्यू सर्विस रोड भी यहाँ पर बनाया है। भूमि अधिग्रहण का काम अच्छा खासा यहाँ पर किया गया है, क्योंकि ये जो आप यहाँ पर पाइलिंग देख रहे हैं यहाँ तक भूमि अधिग्रहण का काम किया गया है। जी, इसी एक्सप्रेसवे के लिए, यानी कि भविष्य में इस पे और भी लेन ऐड किए जा सकते हैं। साइन आपको यहां पर दिखेंगे जो कि लगा दिए गए हैं। किलोमीटर्स भी आपको दिखेंगे कि कितने किलोमीटर रिमेन अब रह गए हैं। जैसे कि यहां पर पीछे आपने देखा है वहां पर लिखा था किलोमीटर 272। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये सारे साइनेज आपको देखने को मिलेंगे जो कि इस पर लगाए गए हैं। ये जो जगह है ये है अछालदा, और इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो फिनिशिंग का काम जो कि किया जा रहा है। और अछालदा वैसे टाउन है जो कि उत्तर प्रदेश में आता है।
वैसे अगर आप देखेंगे तो ये जो मेन कैरेज वे है और सर्विस रोड है, इसके बीच में जो व्हाइट पट्टी दी गई है उसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि अगर गलती से भी मान लो रात के वक्त ड्राइव करते हुए या दिन के वक्त भी आपको नींद आ जाती है, ना चाहते हुए भी आपकी गाड़ी का अगर लेन चेंज होता है क्योंकि आप आपको नींद में हो, तो आपकी गाड़ी का जो आवाज़ है टायर का वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, देखा, क्योंकि जैसे ही आप मेन कैरियर वे से आप सर्विस रोड के ऊपर लेन चेंज करोगे और आपकी गाड़ी का स्पीड बहुत ही ज़्यादा होगा, तो इसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपके टायर में अलग नॉइस आने लगेगा और जिससे कि आप उठ भी जाओगे और मतलब आप पूरी तरीके से जग जाओगे और आपको ये एहसास हो जाएगा कि मैं अपने लेन से बाहर जा रहा हूँ। जी हाँ, यानी कि खतरे की घंटी है। ये टेक्नोलॉजी पहली बार मैंने किसी एक्सप्रेसवे पे देखा है और ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये सेफ्टी पर्पस से अगर देखे तो नेक्स्ट लेवल का है ये।
किस जगह से अब स्टार्ट होता है काम पैकेज 5 का और यहाँ पर खत्म होता है काम पैकेज 6 का, और ये जो जगह है ये है बखाड़िया अररिया डिस्ट्रिक्ट। पैकेज 5 के ऊपर जिस कंपनी ने काम किया है वो है गावर कंस्ट्रक्शन। ये जो गावर कंस्ट्रक्शन है इनके पास 2 पैकेज का काम है, 5 जिसके ऊपर हम और आप अभी ड्राइव कर रहे हैं, और पैकेज 4 भी इन्हीं के पास है। तो ये दोनों पैकेज, पैकेज 4 और पैकेज 5 का कंस्ट्रक्शन गावर कंस्ट्रक्शन ने ही किया है। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसकी लंबाई है 296 किलोमीटर। इस प्रोजेक्ट की जो लागत है वो है 14,716 करोड़ रुपए का, जो कि कंस्ट्रक्शन से लेकर भूमि अधिग्रहण तक का कॉस्ट है। ये इस जगह पर यहाँ पर एक इंटरचेंज बनाया गया है जो कि NH2 के ठीक ऊपर बनाया गया है, ताकि NH2 और इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को कनेक्ट किया जा सके। और अगर आप देखेंगे तो ये इंटरचेंज बड़ा ही कमाल का लगता है। और ये इंटरचेंज आता है पैकेज 5 के अंदर, जिसे कि गावर कंस्ट्रक्शन ने बनाया है। ये जो आप देख रहे हो यही है NH2, जिसे कि GT रोड भी कहते हैं। तो ये अगर आप देखोगे तो इस व्हाइट पट्टी के बीच में ये बम्प दिया गया है कंक्रीट का, जिससे कि जब आपकी गाड़ी हाई स्पीड में होती है और इसके ऊपर जब आपका टायर आता है ना तो उसमें झटके लगते हैं और फिर आपके गाड़ी में नॉइस होता है, जिससे कि आपकी नींद एक झटके में खुल जाती है और आपको एक अलार्म सा जाता है कि आप गलत लेन में इंटर करने वाले हैं, क्योंकि ये तो है सर्विस लेन और ये है मेन कैरेज वे।
को देखने के बाद ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अलवर डिस्ट्रिक्ट में ड्राइव कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे भी ड्राइव करोगे और अगर आप अलवर डिस्ट्रिक्ट से आगे की तरफ बढ़ोगे तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीनरी आपको देखने को मिलता है और बिल्कुल ही सिमिलर लगता है। दोनों तरफ ये ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले और उसके बीच से गुजरता हुआ ये एक्सप्रेसवे। क्वालिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि इस एक्सप्रेसवे पे इस वक्त मैं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप मेरी गाड़ी पे ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल भी आपको एहसास नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल भी झटके नहीं देती है गाड़ी। यमुना नदी के ठीक ऊपर और ये दृश्य बड़ा ही कमाल का और बहुत ही अद्भुत है। यकीन मानिए, इस दृश्य को देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए भाई। सोचो पानी इतना तेज है, कैसे लोग क्रॉस करते होंगे एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए पहले, और अब जब एक्सप्रेसवे बन गया है आप जब यहां से गुजरोगे आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर ये ब्रिज देखो आप, ये लंबा सा ब्रिज तकरीबन 900 मीटर लंबा ये ब्रिज बनाया है, और इस 900 मीटर लंबे ब्रिज को आप आसानी से तो क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन अगर आपको इस ब्रिज की और इस एक्सप्रेसवे की अहमियत पूछनी है तो उन लोगों से पूछे जो इस नदी के किनारे रहते हैं, तो आपको वो बता पाएंगे ज्यादा अच्छे से कि क्या मायने रखता है ये एक्सप्रेसवे उनके लिए, क्योंकि उन्होंने इस नदी को क्रॉस करने के लिए अपना घंटों दिया होगा। जी हाँ, और कईयों ने तो शायद अपनी जिंदगी भी। एक एक्सप्रेसवे सिर्फ हमारा और आपका समय नहीं बचाता है, हमारा आपका भविष्य भी बनाता है। इस तरफ हम और आप आगे जाएंगे तो हम आप पहुंच जाएंगे उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में, जहां पर राठ में इसका इंटरचेंज बनाया गया है, और ये इंटरचेंज अगर आप देखेंगे तो बहुत ही विशाल और बहुत ही मनमोहक लगता है। ट्रस्ट मी, इस पूरे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे सबसे अगर अमेजिंग इंटरचेंज अगर मुझे लगा है तो वो यही है जो कि इस जगह पर राठ में बनाया गया है। बहुत ही विशाल और बहुत ही यूनिक लगता है ये इंटरचेंज देखने में। कैसा लगा भारत के इस तीसरे सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पर ड्राइव करके, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।